अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब तक हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हमारा ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। ठीक है, हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि उन्हीं की तरह सिमिलर है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है रिप्रोडक्शन में कि हमारा कुछ इनहेरिटेंस होता है और वेरिएशन होता है। तो ये हम चैप्टर 5 में लेटर डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके जेनेटिक्स हमारे इस ब्रांच को बोलते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में कैसे इनहेरिट होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाती है। क्लियर, अब हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है अपना ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मेनली हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि हमारा ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या हैं। हम 9th-10th में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th में भी हमने थोड़ा बहुत नॉलेज तो हमें है ही कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें कि हमारा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहा है सिंगल पेरेंट से, जिसमें ना तो कोई फ्यूजन हो रहा है गैमिट्स का और ना ही कोई गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो इसमें न्यू इंडिविजुअल किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारा यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है इस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, फिर हमारा जायगोट बनता है, फिर हमारी पूरी स्टेजेस चलती हैं एम्ब्रियो से लेके फिर न्यू ऑर्गेनिज्म तक हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, मेनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमारा जो ऑफस्प्रिंग है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट का, सेम एज इट इज़। ठीक है, और अगर हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम उसमें जो फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है हम उसमें सिनगैमी भी बोल देते हैं और हम उसको एम्फीमिक्सिस भी बोल देते हैं, मतलब हमारा उसमें एम्फीमिक्सिस दोनों मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, जो भी साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस है वो सब एक दूसरे से आके एक दूसरे से फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग होता है वो एक पेरेंट से जो भी जीन्स अपने रिसीव कर रहा है वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, और इस तरीके के हम इसको एक डेफिनेशन में इसको कवर करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है, तो आपको ये टर्म ध्यान रखना है, दैट इज़ क्लोन। क्लोन क्या है, क्लोन एक मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को हम क्लोन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, तो ये हमारे मेन डेफिनेशंस हैं ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, ए सेक्शुअल को रिप्रोडक्शन को हम एक वर्ड से और बुलाते हैं, दैट इज ए गैमोजेनेसिस, और इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने अमीबा, यूग्लिना, हाइड्रा, ब्रायोफिलम। आपका एनसीईआरटी में फिगर नंबर 1.2 में सेल डिवीजन करके दिखाया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कि बडिंग कैसे हो रहा है, बाइनरी फिशन कैसे हो रहा है अमीबा में। ठीक है, ए बी करके दो डायग्राम्स सिखाए हुए हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर तो सभी को पता होगा, इट्स वेरी सिंपल, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और बडिंग तो हमें पता ही है ईस्ट में बडिंग कैसे होती है, एक छोटी सी बर्ड निकल के वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को कवर कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मेनली हमने यहाँ पे अभी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स की बात की है।